इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को दबाइए जिससे आपको अगली वीडियो का मैसेज आ सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन महिलाओं को बच्चा जल्दी चाहिए उनको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे वो जल्दी बच्चा पा सकें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहेगा। दोस्तों बदलते हुए लाइफस्टाइल के कारण महिलाओं में प्रेग्नेंट ना होने की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कई हो सकते हैं। गर्भवती ना होने की वजह शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट कैसे करें, गर्भवती होने का तरीका क्या है, ऐसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं। शादी होने के बाद ज़्यादातर जोड़े चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी माता पिता बनने का परम सुख मिले और उनकी फैमिली पूरी हो, पर कुछ ऐसे ज़रूरी जानकारी होती है जिनके अभाव में वो ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पाते। दोस्तों आज मैं ऐसे ही उपाय आपको इस वीडियो में बताऊँगा। किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी का समय एक अलग ही अनुभव होता है, पर कुछ महिलाएं कुछ वजहों से मां नहीं बन पाती। वैसे तो ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, पर अगर हम कुछ सावधानियां बरते हैं और कुछ प्रेगनेंसी टिप्स को अपनाकर हम इसकी संभावना को जरूर बढ़ा सकते हैं। प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स सबसे जरूरी है, ये बात तो आपको पता ही है, पर अगर संभोग सही तरीके से और सही समय पर न किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं हो पाता। दोस्तों 12 ऐसे तरीके, 12 ऐसे सफल उपाय आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ जो आप अपना कर बच्चा पा सकती हैं। सबसे पहला होता है नियमित रूप से डॉक्टरी जांच। प्रेग्नेंट होने के लिए पहले डॉक्टर से मिलें और अपने पूरी जांच करवाएं। कई बार कुछ शारीरिक परेशानियों के कारण भी प्रेगनेंसी आने में रुकावट आती है। अगर कोई बीमारियों या दूसरी सेक्स संबंधित समस्या है तो डॉक्टर आपको पहले उसका समाधान करने के लिए ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। महिला और पुरुष दोनों को ये जांच करवा लेनी चाहिए। स्त्रियों में गर्भाशय में सूजन, हार्मोन्स का असंतुलन, थायराइड, ऐसे कुछ शारीरिक कारणों से भी प्रेग्नेंट होने में मुश्किल आ सकती है। वहीं पुरुषों में शुक्राणुओं में कमी होना एक मुख्य कारण होता है, पिता ना बन पाने का कारण। अगर इससे कोई समस्या आपको है इसमें से जो मैंने इस वीडियो में बताई है आपको, तो पहले इसका इलाज करवाएं। इसके अलावा चिकित्सक आपको प्रेग्नेंट होने की टिप्स भी देगा जिससे आप जल्दी गर्भवती हो सकेंगे। दूसरा उपाय है प्रेग्नेंट होने के लिए सही समय पर संभोग करना। गर्भवती होने के लिए जितना जरूरी संभोग करना है उतना ही उसका सही समय पर होना जरूरी है। जो भी माता पिता बनना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट होने का तरीका जानना चाहते हैं, उनका ये सवाल होता है कि इसका सही समय क्या होता है। इसका जवाब है दोस्तों, ओवुलेशन का समय जो होता है वो बच्चा बनने का सबसे बेहतर होता है। सरल भाषा में कहा जाए इसी समय महिला अपने ओवरी से अंडा छोड़ती है ओवुलेशन पीरियड में, और जब इस समय में आप संबंध बनाते हैं तो शुक्राणु और अंडे का मिलन होता है और महिला आसानी से गर्भवती हो जाती है। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ओवुलेशन कब होता है, ये जानने के लिए आपको अपने पीरियड्स के दिनों का ध्यान रखना होगा। ये माना जाता है कि जिस तारीख को आपके अगले पीरियड शुरू होने वाले हैं उससे 14 दिन पहले आप ओवुलेशन हो सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी महिला के पीरियड्स महीने की 20 तारीख को शुरू होंगे तो 3 से 8 तारीख के बीच का समय ओवुलेशन का हो सकता है, इसीलिए आपको इन दिनों में संबंध बनाना जरूरी है। अनियमित मासिक चक्र यानी कि अनियमित मासिक धर्म आना गर्भवती न होने का एक मुख्य कारण होता है, इसलिए जिन महिलाओं को समय पर पीरियड नहीं आते वो प्रेग्नेंट होने से उपाय करने से पहले अनियमित पीरियड का इलाज करवा लें। दोस्तों तीसरा उपाय होता है प्रेग्नेंट करने के लिए ओवुलेशन में ज्यादा संबंध बनाएं। ओवुलेशन प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, ये तो आप सब जान गए होंगे, और अंडे और शुक्राणु के मिलन से ही महिला गर्भवती होती है। ओवरी से निकलने के बाद अंडा 24 से 36 घंटे तक ही जीवित रहता है। दोस्तों 36 घंटे तक का मतलब समझ रहे हो कि आप इसी समय में ही जल्दी से जल्दी संबंध बनाएं और इस समय के भीतर ही आपको संबंध बनाना है, इसलिए ओवुलेशन के समय में रोजाना संबंध बनाने का प्रयत्न करें। अगर रोज नहीं कर पाए तो एक दिन छोड़ के जरूर करें, इससे अंडे और शुक्राणु के मिलन के आसार बढ़ेंगे और उससे आप प्रेग्नेंट होने की संभावना भी ज्यादा होगी। चौथा उपाय है कि तनाव से दूर करें। हम सब जानते हैं दोस्तों कि मां ना बन पाना एक टेंशन की बात होती है,
पर हम आपको ये बता दें कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांस को और कम करता है टेंशन। कई बड़े डॉक्टर का कहना है कि औरत का टेंशन लेना ओवुलेशन होने में बाधा पैदा करता है, जिससे उसके गर्भवती होने में मुश्किल होती है। इसलिए जितना हो सके तनाव रहित रहने का प्रयास करें। पांचवा उपाय है कि संतुलित वजन बनाए रखें। प्रेग्नेंट होने के लिए माँ का संतुलित वजन होना जरूरी है। वजन बढ़ना प्रेगनेंसी के मार्ग में एक बाधा का काम करता है। वही वजन ज्यादा कम होना गर्भवती होने की संभावना को और कम कर देता है। 2017 में की गई एक स्टडी के मुताबिक मोटापे से ग्रस्त महिला को गर्भवती होने में 60% ज्यादा समय लगता है उनके मुकाबले में जितना वेट संतुलित है। दोस्तों, बॉडी पर ज्यादा फैट जमा होने की वजह से एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में बनता है, जिससे ओवुलेशन होने में रुकावट आती है। और वही जो लड़कियां ज्यादा पतली होती हैं उनको अनियमित पीरियड की समस्या आती है, जिससे भी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है। दोस्तों, पुरुष अपने गुप्तांग को गर्मी से बचा के रखें, गर्म पानी से उन्हें ना धोएं और किसी भी गर्म वस्तु जैसे कि लैपटॉप को दूर रखें, इससे शुक्राणुओं पर बुरा असर पड़ता है। संभोग करने के बाद महिला को 20 मिनट तक पीठ के बल ही लेटे रहना चाहिए, जिससे शुक्राणु खराब न हो और भीतर तक जा सकें। संबंध बनाते समय चिकनाई के लिए कोई भी तेल या कोई इस्तेमाल तरल पदार्थ ना करें। दोस्तों, माता पिता बनने के इच्छुक किसी भी तरह के नशे से दूर रहें। सिगरेट, शराब, गुटखा और जो भी नशा होता है हार्मोन्स में असंतुलन पैदा करता है, जिससे प्रेग्नेंट होने में मुश्किलें आती हैं। पुरुष शुक्राणु बढ़ाने के लिए जिंक, विटामिन सी और फोलिक एसिड युक्त खाने का सेवन ज्यादा करें। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफी का सेवन कम करें। अगर वजन अधिक है तो प्रेगनेंसी में पहले वजन कम कर लें। दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।